तो अभी आज हम लोग इनसे जो इनका फूड भी ट्राई करेंगे। तो भी कुछ टर्की शवारमे, इनके पास ना बहुत ज़्यादा वसी रेंज है इसके अंदर शवारमों के अंदर। कौन से तिक्के लगे हुए हैं ये वाले? ये सादा तिक्का लगा हुआ है, तिक्का बोटी जिसे बोलते हैं। अच्छा, और इसके साथ ये जो पीसेस लगे हैं चिकन, ये लेग बार्बेक्यू लगे हैं। अच्छा, ये लेग बार्बेक्यू और रेड चिली में। रेड चिली में, ठीक। सर आप हमारा एक टर्की शवारमा ट्राई करें, ठीक है, और उसके अलावा एक आपको सैंडविच लगवा के दूंगा, ठीक है, और एक बार्बेक्यू लेग लगवा दूंगा। ये स्टेक के पीसेस हैं, तो ये स्टेक ऐड कर रहे हैं जी इसके अंदर। ये जी इनकी उसके बाद स्पेशल सॉस है कोई। ओए होए 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 होए, इतना खतरनाक शवारमा भाई रेडी कर रहे हैं। ये जी भाई हमारे सैंडविच स्पेशल सॉस है, ठीक है, सैंडविच रेडी हो रहे हैं हमारे। ये कौन सा डाला चिकन? ये बार्बेक्यू, बार्बेक्यू स्पेशल चिकन है जी इनका ये वाला। माशाल्लाह देखने में बड़ा जूसी सा लुक दे रहा है। सॉस के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं बहरीनी शवारमा, और ये है जना कलोनी और एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की ऑपोजिट साइड पर, रोड के ऊपर है। तो अभी आज हम लोग इनसे जो इनका फूड भी ट्राई करेंगे। तो टर्की शवारमा है इनके पास बड़ी, उसके अंदर वसी रेंज है, और उसके अलावा इनके पास स्पेशल किस्म का कुछ चिकन है, तो उसमें से भी कुछ हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये हमारे साथ मुगीरा भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुगीरा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुगीरा भाई मुझे ज़रा आप बताइएगा, एक तो पहले इस रोड का थोड़ा एड्रेस मुझे कंफर्म करें। सर ये नरवाला रोड है ये। अच्छा। ये कोई भी इधर फैसलाबाद में जो रहता है उसे पता होगा कि जो गुलबर्ग पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल पास है ये बिल्कुल इसके साइड पर ना गुलबर्ग पुलिस स्टेशन भी है कॉर्नर पर। ये सामने अगर आपको देखें तो वो सामने चौक है, तो चौक की जो राइट साइड है इसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन भी है। तो जी ये एड्रेस इसका बनता है मेन नड़वाला रोड। तो अभी मुगीरा भाई मुझे ज़रा बताएं कि मैं आपसे क्या ट्राई करूँ आज। सर आप हमारा एक टर्की शवारमा ट्राई करें, ठीक है, और उसके अलावा एक आपको सैंडविच लगवा के दूँगा, ठीक है, और एक बार्बेक्यू लेग लगवा दूँगा, ठीक है। टर्की शवारमा सैंडविच हो गया, और एक दम कुक इन्होंने पीस है, मुझे पहले भी भाई के साथ उनकी डिस्कशन हुई थी तो बता रहे थे मुझे, तो ये चीज़ें जो है मैं इनसे ट्राई करूँगा। तो अभी चलते हैं और इनकी मेकिंग भी देखते हैं साथ, कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में टेस्ट में क्या कैसा टेस्ट है, कैसी क्वालिटी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पर ये शवारमे रेडी कर रहे हैं। ये हैं जी, ये भी कुछ टर्की शवारमे, इनके पास ना बहुत ज़्यादा वसी रेंज है इसके अंदर शवारमों के अंदर। तो भाई जान ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये कौन से तिक्के लगे हुए हैं ये वाले? सादा तिक्का लगा हुआ है, तिक्का बोटी जिसे बोलते हैं। अच्छा, और इसके साथ ये जो पीसेस लगे हैं चिकन, ये लेग बार्बेक्यू लगे हैं। अच्छा, ये लेग बार्बेक्यू और दोनों रेड चिली में, रेड चिली में, ठीक। और उसके साथ जो कबाब लगे हैं जी, वो भी सादे कबाब, सिंपल कबाब है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ये टर्की शाप के ये शवारमे लगे हैं, ये सारे सेम है या मतलब इनको डिफरेंट है? ये सेम है, ये पाँच ऑर्डर लगा है, सेम ऑर्डर लगा है, ये बार्बेक्यू में लगे हैं। टर्की जो है ना हम बार्बेक्यू करते हैं। अभी जो आपने मेरे लिए भी ऑर्डर रेडी करना है, ये क्या है? ये लेग दम कुक है। अच्छा, ये लेग दम कुक का ना ये नेशन, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। माशाल्लाह, गर्म लगा और क्रीम लगी है, ठीक हो गया। लेग ऊपर भी मैरिनेशन है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी बिल्कुल ऑयल फ्री है। अच्छा जी, ये मुगीरा भाई है ना, इन्होंने दम पुख्त लगाया। दम पुख्त की मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि इसके अंदर मतलब ये ऑयल फ्री है, तो फुल हाइजेनिक पीस मिलेगा। फुल हाइजेनिक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये है, तो हम इस पीस को भी ट्राई करेंगे। मुगीरा भाई इसको तकरीबन यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। 15 मिनट लगेंगे। और शवारमे को? शवारमा जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो आपको ऑर्डर इकट्ठा भेजूंगा ना मैं। हाँ जी, ऑर्डर इकट्ठा भेजूंगा आपको। हाँ, ऑर्डर तो हम इकट्ठा ही लेंगे मुगीरा भाई से। अभी हमारा जो एक दम पुख्त पीस लगा हुआ है उसके साथ हमारा टर्की शवारमा जो है वो भी रेडी हो रहा है, और ये बाकी उसके अलावा जो चिकन वगैरह यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं बहरीनी शवारमा वालों के किचन के अंदर आया हूँ, और यहाँ पर ये इमरान भाई होते हैं। अभी इमरान भाई, ये आप ये टर्की शवारमा रेडी करने लगे मेरा? जी सर। अच्छा, ये भी हमारी स्पेशल सॉस है ये सर, हमारी ये भी स्पेशल सॉस है। ये कौन सी? मीन सॉस। मीन सॉस है भाई, मीन सॉस है जी उनकी। और ये लेटस वगैरह आ गया इसके ऊपर, जैलोपिनो वगैरह भी आ गए हैं जी इसके ऊपर, और कुछ ब्लैक वगैरह, ब्लैक ऑलिव्स वगैरह। क्या बात है,
ये स्टेक के पीसेस हैं, तो ये स्टेक ऐड कर रहे हैं जी इसके अंदर, इनका जो शवारमा है पैकिश, माशाल्लाह क्या बात है। अब इसमें ऐड करेंगे चीज़, चीज़ आ गई जी राइट, स्पेशल सॉस है ये जी इनकी, इसके बाद स्पेशल सॉस है कोई, ओए होए 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 होए, इतना खतरनाक शवारमा भाई रेडी कर रहे हैं। इमरान भाई ये नीचे पीटा ब्रेड है ना इसके? जी सर पीटा ब्रेड, ये भी हमारी खुद की तैयार की होती है। ठीक है, ब्रेड वगैरह भी भाई बोल रहे हैं कि खुद ही तैयार करते हैं, और कुछ किचन का इनका ये सीन है, और अभी इसको इन्होंने यहाँ पर ग्रिल के अंदर लगा दिया। अभी ये ग्रिल होगा तकरीबन, इमरान भाई कितना टाइम लगेगा इसको? 3 से 4 मिनट। अच्छा ये बाहर चला जाएगा वहाँ पे, अभी ये बाहर चला जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो सैंडविचेस वगैरह ना वो भी रेडी होने वाले रहते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि इमरान भाई उसको भी किस तरीके से रेडी करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जी यहाँ पर सारी इनकी पैकिंग शैकिंग चल रही है, और जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं यहाँ से पैक होके जाते हैं, ये भाई जान यहाँ पर सारे पैक कर रहे हैं। और ये कुछ अंदर इनका सिटिंग एरिया भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जी भाई हमारे सैंडविच, ठीक है सैंडविच रेडी हो रहे हैं हमारे। भाई जान सैंडविच का नेम क्या है? ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस इस सैंडविच का नेम है। ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट शटस आ गया जी इसमें, और मजीद लेटेस्ट शटस आ गया, क्या बात है। एलोपिनो वगैरह आ गए हैं इसके अंदर भी, और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव आ गए हैं, सेम ही मतलब यूज़ करते हैं इसके अंदर बाकी। और ये इसमें इन्होंने ये कौन सा डाला चिकन? ये बारबेक्यू स्पेशल, बारबेक्यू स्पेशल चिकन है जी इनका ये वाला, माशाल्लाह देखने में बड़ा जूसी सा लुक दे रहा है। और ये इसके ऊपर चीज़ स्लाइस आ गया, अंडा, अच्छा इसके ऊपर अंडा आएगा उसके अंदर पूरा, उन्होंने फ्राइड एग जो है ना वो डाला है, और ये इसकी लेयर्स बना दी। ठीक है ये यहाँ पर ग्रिल लोग आए बाहर होगा, ठीक है ये भी कोयलों के ऊपर ग्रिल होगा, वाह चलें जी भी बाहर चलते हैं। ये जी चीज़ें सारी हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर अब जो है ना इन कोयलों के ऊपर ग्रिल होना है, और ये भी मतलब बड़ी एक मज़े की चीज़ है कि सैंडविचेस मैंने अब से पहले नहीं देखे कि कोयलों के ऊपर जो है ना मतलब ग्रिल कर रहे हों, तो ये भी बड़ा सीन है यार, बड़ा लेविश सीन है। ठीक हो गया भाई, कह रहे हैं कि वो प्लेट पे भी होता है और ये कोयलों पे, ये जो कोयलों पे होता है आधा, और आधा उस पे होना है। नाइस, ये जी खाना हमारा सर्व कर दिया, माशाल्लाह क्या बात है, ये दम पुख्त पीस है, ओए होए होए क्या ज़बरदस्त लुक है। और ये हमारा जो क्लब हाउस सैंडविचेस हैं, क्या यार ज़बरदस्त लुक है इनकी भी, जूसी। और ये है भाई साहब टर्की शवारमा हमारा, जिसके अंदर स्टेक लगी हुई है, ओए होए 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 होए। और मैं यहाँ पर बिल्कुल रोड के साइड में बैठा खाना खा रहा हूँ, क्या बात है, ऑसम यार खाना माशाल्लाह बहुत लजीज लग रहा है। और अभी मैं जो है ना इसमें से सैंडविच पहले ट्राई करूँगा, बड़ा ही कोई कमाल किस्म का सैंडविच है, ओए होए होए। वाह वाह वाह, कमाल यार इनके बारबेक्यू का इतना मज़ेदार टेस्ट आ रहा है ना अंदर, चिकन का, एग्स का, और सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, सॉस बहुत ज़्यादा कमाल लग रही है, और क्रंची है थोड़ा सा, तो सॉस के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। फुल यमी, इनका शवारमा ट्राई करते हैं यार, कोई
बहुत ही नेक्स्ट लेवल शवारमा है यार। ये ज़रा इसकी मतलब लुक देखें, और गर्म बहुत ज़्यादा है एक तो, और कैसे मेल्ट हुआ पड़ा है। शवारमे में ना चीज़ का और सॉस का तूफान है यार, इतना माशाल्लाह मज़ेदार टेस्ट है, लेवल बहुत ऑसम है शवारमा भाई साहब। स्टेक जो है ना, स्टेक बहुत डेडली कॉम्बो उसका बन रहा है, चीज़ के साथ, पीटा ब्रेड के साथ और एलोपिनो के साथ, लेवल है भाई साहब, फुल फुल मज़ेदार है। अच्छा जी, इन चीज़ों को ज़रा करते हैं साइड पे, और इसको लेके आता हूँ मैं आगे। ये इन्होंने जो पैकेट है इसके अंदर रोगनी नान है, बड़ा ही शानदार किस्म का, ये देखो फुल लेविश रोगनी नान लगाया हुआ है इधर। तो अभी जो है ना दम पुख्त, जो इनका चिकन दम पुख्त है ना, मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। माशाल्लाह देखने में इतना लजीज लग रहा है, जैसे इनकी बाकी चीज़ें हैं ना, ये भी भाई साहब देखने में तो मुझे वही सीन लग रहा है। लेवल यार, बहुत अच्छा बना हुआ है। भाई ने मुझे पहले पता क्या बताया था, मुगीरा भाई ने, तो इसके अंदर इन्होंने ऑयल नहीं डाला, ठीक है, ऑयल भी नहीं डाला, और देखने में इसकी मतलब थोड़ी स्पाइसी लुक दे रहा है। हालांकि इसकी लुक जो है ना, मतलब सिर्फ देखने में स्पाइसी है, लेकिन ये एक्चुअल स्पाइसी है नहीं है। तो ब्लैक पेपर है इसके अंदर डाली हुई, ऑयल फ्री है, तो भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ है, लाजमी आपको ट्राई करनी चाहिए। मुझे इनका खाना ओवरऑल जो मैंने ट्राई किया है, नो डाउट के बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, शानदार खाना है। तो चक्कर लगे आपका जब भी यहाँ पर, तो लाजमी ट्राई करें इनसे, क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज फूड इनका बहुत ज़्यादा ऑसम है। अच्छा जी, इनकी मैं अगर प्राइसेस की बात करूँ ना, तो ये इनका बिल आ गया मेरे पास, तो जो स्टेक टर्की शवारमा है ना इनका, ये जो शवारमा मैंने खाया था, बड़ा बड़ा ऑसम शवारमा था इनका, ये 420 का है। और इसमें इनका एक क्लब हाउस जो सैंडविचेज हैं ये वाले, ये 450 के सैंडविचेज हैं। और जो दम पुख्त है इनका चिकन पीस है जो ये पड़ा हुआ है मेरे सामने, ये इनका है 390 का। तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं, और टेस्ट और क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है, लाजमी ट्राई करें। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, अभी मेरा खाना पड़ा हुआ है, मैं भी खाने को भी खाऊंगा। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।